जनपद रुद्रप्रयाग में शासन के निर्देशानुसार केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर आपदा को दृष्टिगत रखते हुए मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल को लेकर अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने और आपदा जैसी घटना घटित होने पर तुरंत राहत एवं बचाव कार्य किए जाने के उद्देश्य से यह मॉक अभ्यास किया गया है, जिससे कि यह मालूम चल सकता है कि कितने कम समय में राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाए, जिससे कि कम से कम जान माल का नुकसान हो। इसके आगे उन्होंने बताया कि इससे यह भी मालूम हो जाता है कि हमारे पास कितने संसाधन और उपकरण उपलब्ध हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। उनके द्वारा 10 मिनट के भीतर वहां पे जाकर के सर्च किया गया, उसके पश्चात स्टेजिंग एरिया से हमारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ विद इन 40 मिनट्स इंक्रीमेंट्स के साथ वहां पे साइट पे पहुंच गए थे और सर्च एंड रेस्क्यू अभियान को हमने चलाया और वहां पर अपना कमांड पोस्ट स्टैब्लिश किया और सर्चिंग करने के पश्चात हमें लगभग हमारे 23 घायल लोग वहां पे मिले हैं, श्रद्धालु, जिसमें से 6 क्रिटिकल थे, उनको एयर रूट के थ्रू एम्स में भर्ती कराया गया, बाकी 17 को जो लोकल हॉस्पिटल है उसमें एडमिट कराया गया, बाकी हमारे 5 उसमें से करीब 10 लोग जो हमने सर्च किया, 10 लोग डेड पाए गए, उनको नियमानुसार उनके जो परिजन हैं उनको हैंडल किया।